तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एंड आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है भूषण ड्रॉइड। यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। एंड आज वापस से हम आए हैं इस वीडियो में। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि रियलमी X2 Pro में जो अपडेट है, मई वाला अपडेट, वो आ चुका है। तो उसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि भी आप देख सकते हो, मैं हूँ रियलमी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। एंड जैसा भी आप यहाँ पर देख सकते हो, रियलमी X2 Pro का ये जो अपडेट है ये आ चुका है। तो मैं अपना नेट ऑन कर लेता हूँ ये पे। और जैसे कि भी आप देख सकते हो, रियलमी X2 Pro के लिए हमारे पास अपडेट आ चुका है, रियलमी UI 1.0। एंड यहाँ पे हम देखने वाले अपडेट लॉग में। एंड जैसा आप देख सकते हो, अगर आपके पास मोबाइल में अभी तक नहीं आया तो आप यहाँ से ही सीधा मैन्युअली इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर हम देखते हैं इसके अपडेट लॉग में तो हमें क्या क्या देखने मिलता है, तो जैसा कि भी आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है सिक्योरिटी में आपको देखने कुछ चेंजेस मिल सकते हैं। जैसा कि आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच में 2020 यहाँ पे देखने मिल सकता है। बाद में यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस आपको देखने मिलेगी, जैसे कि एडिट DOC वॉल्ट इंडिया करके आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी हमें इसके अंदर कुछ चेंजेस देखने मिल सकते हैं, जैसे कि ऑप्टिमाइज स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर, नोन इश्यूज फिक्स। मतलब कि जो भी हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वक्त इश्यूज आते थे, जो भी कोई इशू हमें फेस करने पड़ते थे जब भी हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते थे, वो वाले इश्यूज इसके अंदर जो है वो फिक्स कर दिए गए हैं। तो इस अपडेट को आपको इंस्टॉल करके देखना पड़ेगा। अपडेट के बाद ही आप बता सकते हैं एग्जैक्टली फीचर ये जो है ये इश्यूज फिक्स हुए हैं या फिक्स नहीं हुए हैं। बाद में यहाँ पे एक और अपडेट निकल के आता है, जैसे कि फिक्स द इशू ऑफ टच फेलियर इन सम सेंस ड्यूरिंग PUBG। तो यानी कि जब भी यार हम PUBG खेलते हैं, तो PUBG खेलते वक्त कभी कभी क्या होता है कि कहीं पे अभी हम टच करते हैं तो वहाँ पे टच नहीं हो पाता है ठीक से। हमें लगता है कि हमारा मोबाइल ख़राब हो गया या नहीं, तो कहीं कहीं कुछ कुछ पिक्सल जो ऑन नहीं होते थे, तो शायद से वो वाला इशू जो है यहाँ पे इन्होंने फिक्स कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा, अपडेट करने के बाद ही आप लोग यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। और अगर अभी तक आपको ये मैन्युअली नहीं मिला है मोबाइल के अंदर, तो आप यहाँ से भी मैन्युअली जो है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अगर आप आते हो तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। उसके बारे में हम जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे बात करने वाले हैं। एंड यहाँ पे एक और अपडेट यहाँ पे निकल के आता है, जैसे कि फिक्स द इशू दैट द फ़ोन रिस्टार्टेड आफ्टर द स्क्रीन स्टक ड्यूरिंग वीचैट कॉल सिस्टम्स। यानी कि जब भी आप वीचैट के कॉल्स करते थे तो फ़ोन ये जो है वो रिस्टार्ट हो जाता था, या तो स्टक हो जाता था, या अंदर अंदर जो है हैंग होने लगता था आपका फ़ोन। तो ये वाले जो भी जो इश्यूज़ है, ये इश्यूज़ भी इन्होंने इसके अंदर सॉर्ट आउट कर लिए गए हैं, ऐसा इन्होंने बताया है अपडेट में। तो जैसा कि अभी हम देख सकते हैं आगे, बाद में एक और अपडेट यहाँ पर निकल के आता है, जैसे कि फिक्स सम नोन इश्यूज़ एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। तो सिस्टम स्टेबिलिटी यहाँ पे जो है इन्होंने इम्प्रूव कर दी है। तो अपडेट के बाद ही हमें पता चल सकता है एग्जैक्टली क्या होने वाला है क्या नहीं। अगर अभी तक आपको ये अपडेट नहीं मिला तो आप यहाँ से ही इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको देखिए कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख के आएगी, आपको कंफर्म करने के बाद जो है वो डाउनलोड हो जाएगा आपकी डिवाइस में। उसके बाद अगर आपको जानना है कि इसे अपडेट कैसे करना है, तो अपडेट पे हाउ टू अपडेट पे आपको क्लिक करना है। एंड एक बार वो इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे उसके जो रूट फोल्डर के अंदर होता है उसे आपको जो है उसे प्लेस कर देना है। वैसे तो उसके रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी कि किस तरह से आपको मैन्युअली उसे अपडेट करना है। तो आप यहाँ पे आकर के भी इसे जो है चेक कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पे पूरी तरीके से इन्होंने बता दिया है किस तरह से आप इसे अपडेट कर सकते हो। मैन्युअली भी अपडेट आपके पास अगर फ़ोन के अंदर नहीं आया तो आप इस तरह से मैन्युअली इसे अपडेट कर सकते हो। तो ये है रियलमी X2 का RMX1931EX_11.C.27 वाला अपडेट आ चुका है। एंड अगर अभी तक आपने रियलमी X2 Pro के लिए ये वाला अपडेट जो है इंस्टॉल नहीं किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको चाहिए कुछ अपडेटेड वर्जन तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो देखिए एंड अपडेट होने के बाद मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि अपडेट में जो भी बताया गया है वो इशू सॉर्ट आउट हुए है या नहीं हुए है। तो मैं आपके नीचे कमेंट्स की वेट करूंगा। एंड अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि रियलमी रिलेटेड जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं रियलमी फ़ोन से रिलेटेड, वो मैं आपको इस चैनल पे देते रहता हूँ। टेक रिलेटेड भी न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मैं आप सभी को मिलता हूँ एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।